हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कूलर के बारे में। ओके दोस्तों, मेरे पास जो आप ये कूलर देख रहे हैं, ये बैरिंग कूलर है और इसकी मदद से आप बैरिंग के अलावा और भी कई सारे काम कर सकते हैं। ओके तो देखिए, ज़्यादातर जो मिस्त्री होते हैं उनके पास ये छोटा वाला कूलर होता है, ये वाला। ओके और इससे जो है सीलिंग फैन में यूज होता है और सीलिंग फैन के जो निचले हिस्से पे ही काम करता है, या जो नीचे वाले जो हिस्सा है मोटर पे, उसी पे काम करता है। इसका साइज लगभग 4 इंच है, तो 4 इंच तक का ही ये काम करेगा, उसकी सापड़ तक का ही ये बैरिंग निकाल पाएगा। ओके उससे ज़्यादा ये नहीं निकाल सकता। तो हमारे पास ये एक लेटेस्ट कूलर है, देख सकते हैं। इसका साइज दोस्तों 12 इंच की टांग है, इसकी लैग इसका 12 इंच है। ओके देख सकते हैं 12 इंच, यहाँ तक 12 इंच का इसका लैग है। तो इसका ये फायदा दोस्तों, इस कूलर के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा काम करेगा और इसका प्राइस काफ़ी कम है। तो इसको कैसे ख़रीदना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसके कैसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके और इसमें दोनों साइड टांग लगी हुई है, तो इससे हम जो है किसी भी एडजस्ट का कूलर का जो है एडजस्ट कूलर है उसका बैरिंग निकाल सकते हैं। टुल्लू मोटर है उसका एम्पेलर निकाल सकते हैं, उसके बैरिंग को खींच सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके कोई सी भी साइड का हो, और जो आटा चक्की मोटर होती है उसके ऊपर भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ओके तो ज़्यादातर बैरिंग का हम इसको इससे निकाल सकते हैं, हम सीलिंग फैन का बैरिंग निकाल सकते हैं, तो लगभग जितने भी तरह की मोटरें होती है हमारे पास उनका बैरिंग निकाल सकते हैं। लेकिन बड़ी मोटरें जो होती है उसमें थोड़ा सा इससे मुश्किल हो सकता है, जैसे काफ़ी जैसे 3 HP की मोटर हो गया या उससे बड़ी मोटर हो गया, तो उसके लिए तो अलग जुगाड़ होता है, क्योंकि उसका बैरिंग भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइट होता है ज़्यादातर मोटरों में, तो उसका एक अलग है। तो आपके पास जो भी छोटी मोटी मोटरें आती है, पंखा वंखा ये फलाना डिगड़ा जो भी है, तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा इस कूलर के मुकाबले। इस कूलर का यूज़ आप छोटी छोटी सापटों पे ही कर सकते हो, तो कम दूरी पे अगर बैरिंग लगा हुआ है तो वहाँ पे सिर्फ इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। एग्जांपल में दोस्तों, मैं एक जो है एक एग्जास्ट का मोटर मैं ले रहा हूँ, या कूलर का मोटर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बड़े वाले कूलर का मैं आपको दिखा रहा हूँ यूज़ करके। तो इसकी 3 लेग्स होती हैं, 3 लेग्स आपको जो है इसके नीचे फंसा लेनी है, ठीक है। और 3 लेग्स फंसा के इसमें अच्छे से पहले इसको सेट करना है, उसके पश्चात ही ये निकलेगा। तो जो छोटा कूलर है ये दोस्तों, जो आप बैरिंग देख रहे हैं, कोई 4 इंच तक का जो साफ्ट के अंदर लगा हुआ है वहाँ पे ही काम कर सकता है, लेकिन ये बड़ी साफ्ट में भी आराम से काम कर सकता है। तो हम आपको एक बार इसको यूज़ करने का तरीका बता रहे हैं। तो देखिए, इसके 3 लेग हैं, वो तीनों को आप बराबर की डिस्टेंस पे दूरी पे इसको रखना है, ठीक है, इस तरह से। उसके नीचे सटा लेना है और उसको बीच में जो इसकी जो बीच का जो स्टड है, जो इसका हिस्सा है, इसको सापट पे सेट कर लेना है, और चाबी की या पानी की मदद से जो है इसको घुमाते रहना है। या आप चाहें तो इस पे एक रोड भी ऊपर की तरफ वेल्ड करा सकते हैं, इसको घुमाने में आसानी आपको रहेगी। या आप चाबी या पानी की मदद से इसको ऊपर की तरफ घुमा के और बैरिंग धीरे धीरे करके अपने आप ये ऊपर की तरफ निकलने लगेगा। अच्छा दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा जुगाड़ है, हर बैरिंग को आराम से निकाल लेता है। तो देखिए, हमने इस बैरिंग को निकाल दिया है, अब इसको वापस से हटा देते हैं। देख सकते हैं हमने बैरिंग को निकाल लिया है। इसी तरह आप छोटे कूलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो 4 इंच तक के शाफ्ट के अंदर काम करेगा, जैसे ये शाफ्ट की कुछ दूरी पे ही काम करेगा, लेकिन लंबी शाफ्ट वाले बैरिंग को नहीं निकाल पाएगा। लंबी में आप ये 12 इंच तक का ये काम कर सकते हैं, तो 12 इंच तक की शाफ्ट भी हो वहाँ तक भी ये काम करेगा। तो इतनी लंबी वैसे कोई साफ्ट होती नहीं है, फिर भी
8 इंच तक ज़्यादातर देखी जाती है, 6 इंच 8 इंच तक की मिलती है ज़्यादातर फैन में, पंखे में। दोस्तों इस कूलर को जो ख़रीदने का आप जो है इसे आप 600 से 700 रुपए के बीच में इसे मंगा सकते हो और काफ़ी सस्ता मिल रहा है ये, ठीक है। और इसे आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। अगर आप कई और सेलर के पास इसी कूलर को ख़रीदेंगे किसी अन्य सेलर से तो जो है कि काफ़ी महंगा मिलेगा, और मार्केट में भी शायद आपको थोड़ा महंगा मिल सकता है, 1500 के आसपास मिल सकता है, तो काफ़ी कम रेट पे मिल रहा है, तो इसे आज ही मंगा लें। तो इसको ख़रीदने के लिए दोस्तों क्या है कि आपको अमेजोन पे बैरिंग कूलर लिखना है, फ़ैन बैरिंग कूलर लिख सकते हो या बैरिंग कूलर लिख सकते हो, ठीक है। तो उसमें सर्चिंग में आ जाएगा ये, ठीक है, तो वहाँ से इसे ले सकते हैं। और बात करें इस वाले कूलर की, जो छोटा वाला कूलर है, अगर इस आप इसे भी लेना चाहें तो ये भी आपको 200 से 250 रुपए में मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी का कूलर है, तो इसे भी आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। मेरा मकसद यहाँ पर इसको बेचना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती होगी और आपको इसको ले लेना चाहिए इतने कम प्राइस में। तो ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।